भारत बंद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज आंदोलनकारी किसानों का भारत बंद है। बिहार में आरजेडी, लेफ्ट और कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया है। जगह जगह पर बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। पटना, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत प्रदेश में तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी रोड पर जाम कर रहे हैं, ट्रेनों को भी रोका जा रहा है। तो भारत बंद का बिहार में असर दिखाई दे रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट का समर्थन मिल रहा है भारत बंद को। आपको बता दें कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की ओर से मांग की जा रही है और इसी को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया था। और आज भारत बंद जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। पटना, आरा में भारत बंद का सीधा असर नजर आ रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का समर्थन भी इनको मिल रहा है। सड़कों पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं तमाम जगहों से जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। साथी आप ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर लेटकर आगजनी करके और ये हालात तमाम जगहों के। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हैं। दरभंगा में भी कृषि कानूनों के खिलाफ ये बंद है। रेलवे स्टेशन पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन को रोका गया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक को जाम भी कर दिया है। जमकर नारेबाजी की जा रही है। भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद है और आप देखिए बैनर लेकर हाथों में भारत बंद, जमकर नारेबाजी और दरभंगा नई दिल्ली संपर्क क्रांति ट्रेन को रोका गया है। यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है और देखिए जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे भारी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जिसमें तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को रोका गया है और उसी दौरान की तस्वीरें। भारत बंद का बिहार में भी असर देखने को मिल रहा है। अरवल में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने भी एनएच 139 और साथ ही 110 को जाम कर दिया, जबकि नवादा का अगर हम जिक्र करें, नवादा में प्रदर्शनकारियों ने प्रजातंत्र चौक को जाम कर दिया है, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अरवल की तस्वीर है पहली और दूसरी नवादा की तस्वीर है, जहां भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। सड़कों पर खड़े हो गए हैं, सड़क को जाम किया गया है, बैनर पोस्टर लेकर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। नवादा में तमाम दुकानों को भी बंद रखा गया है। तो भारत बंद का असर अरवल और नवादा में देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति जो देश में बनी है, उन्होंने आज बंद का कॉल दिया है। बंद का मुख्य कारण तीन कृषि कानून है और एमएसपी पर कानून बनाना है और बिजली बिल 2020 वापस करना है और जो भी जन वितरण प्रणाली है उसको दुरुस्त करना है। जहानाबाद में भी प्रदर्शनकारियों ने पटना गया रेलवे ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया है। दरअसल समस्तीपुर आईसा कार्यकर्ताओं ने एसडीओ ऑफिस के पास ही रोड जाम कर दिया है। दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर हम आपको जहानाबाद की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम आपको समस्तीपुर की दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। हालातों को, स्थिति को काबू में करने की जो पूरी कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है, चूंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। पटना का जिक्र कर ले तो पटना में भी डाक बंगला चौराहा समेत तमाम चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। डाक बंगला चौराहे पर दंगा नियंत्रण वाहन वाटर कैनन गाड़ियों को भी रखा गया है। भारत बंद का जो आह्वान किया गया था और भारत बंद का कितना असर पटना में दिख रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए गाड़ियां जो है सरपट जो है सड़कों पर जो है दौड़ रही हैं और जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है सुचारू रूप से है चल रहा है। खास करके बात की जाए तो यहाँ पर अगर जो भी बंद समर्थक हैं विपक्षी दल के, अगर वो आते हैं, अगर वो कुछ उड़ंगता करते हैं तो उसके लिए दंगा नियंत्रण वाहन जो है उसको रखा गया है, वाटर कैनन का जो वाहन है उसको रखा गया। और ख़ासतौर पर देखिए पुलिस वाले को जो है पूरी तरह से यहाँ पर तैनात किया गया है कि पुलिस वाले जो है वो उसको कंट्रोल करें। तो ये चौराहे का पहला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा जो है फोर्स को रखा गया। तो दूसरे हिस्से में भी अपने कैमरामैन सिंधु मनीष को कहेंगे वो भी दिखाएं कि दूसरे हिस्से में भी चारों तरफ से जो है पुलिस की जो है व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन
बिहार में जिलों की बात करें तो बिहार के कई ऐसे जिले हैं जैसे बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, आरा है। अभी गांधी सेतु की बात करें तो गांधी सेतु पर जाम है। तो बिहार में कई जिलों में जो है बंद का असर जो है थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन पटना की बात करें तो पटना आप डगबंगला चौराहा पे है और डगबंगला चौराहा जो है पटना का दिल कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो गाड़ियाँ जो हैं वो दौड़ रही हैं और बंद का असर जो है वो नहीं दिख रहा। पटना में भी किसानों की भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी भी की है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। पटना में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। अशोक राजपथ पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा शुरू हो चुका है लगना और यहां पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी भी की है। तो किसानों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं और इसी कड़ी में पटना की सड़कों पर फिलहाल ये आलम नजर आ रहा है जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। मोटरसाइकिल भाइयों से अन्यथा किसानों के समर्थन में बैठे हुए छात्र आपके आगे हाथ जोड़ के बिना निंदना करो। तो बंद का असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है और बिहार में भी इसका सीधा असर नजर आ रहा है। रुपेंद्र श्रीवास्तव और साथ ही आशुतोष हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पटना में भी अब इसका असर दिखाई दे रहा है, आगजनी भी की गई है, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए जरूर हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं जी वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, पटना जंक्शन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर ये लोग बंद कराएंगे। क्योंकि सुबह से ये देखने में तस्वीर सामने आ रही थी कि बंद की स्थिति नजर नहीं आ रही थी, सब जगह गाड़ियाँ चल रही हैं और कमोबेश कहा जा सकता है कि सामान्य जैसी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अब आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और स्टेशन पहुँच कर ये लोग वहाँ पर गाड़ियों को बंद कराएंगे। आशुतोष, अगर मुमकिन है तो जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जा रहे हैं और वहाँ हमारे नेता आएंगे, हम लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आंदोलन बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है, जनता के हित की बात कर रहे हैं हम लोग, जनता को साथ देना चाहिए लोगों को। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ नहीं, अभी तो काला कानून के खिलाफ आप लोग निकाल रहे थे। हाँ, कृषि का अल्लाह कानून भी है। साल भर से किसान लोग दिल्ली में बैठा हुआ है, हर जगह आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसकी बात सुबह से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है आप लोग? हम लोग को पार्टी से निर्देश है कि 10 बजे के बाद बुद्धा स्मृति पार्क से निकलना है। हम लोग ये छोटा टुकड़ी लेकर करके वहीं जाएंगे और जाकर करके वहीं सब लोग एक जगह मिल करके बुद्धा स्मृति पार्क से हम लोग निकलेंगे। तीनों काला कृषि कानून के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, जनगणना कराने के समर्थन में, ये सभी मांगों को लेकर करके हम लोग आज निजीकरण के विरोध में भारत बंद हम लोग रखे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आपके नेता भी सड़क पर आएंगे, तेजस्वी यादव दिखेंगे? के नेता का आवाहन पर ही हम लोग सड़क पर हैं। जिसके आवाहन पर हजारों लाखों लोग सड़क पर आ जाएं, उन नेता के लिए सब हम लोग सब तेजस्वी यादव हैं। और अगर नेता तेजस्वी यादव आ गए तो अति उत्तम बात है, नहीं भी आए तो भी हम लोग हैं। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए मैं आपके पास वापस लौटूंगी क्योंकि आपने तस्वीरों से रूबरू कराया है। अब धीरे धीरे जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। रुपेंद्र कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक गए हैं। आशुतोष ने तस्वीरें दिखाई, कहना है कि हम तो महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे जा रहे हैं और जाम कर रहे हैं। क्या वाकई राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, यही वजह है कि मुद्दों से भी भटक गए हैं लोग और बस जमावड़ा लगाना ही जो कह सकते हैं कि एक मुख्य उद्देश्य है वो नजर आ रहा है? देखिए, जमावड़ा लगाना ही मुख्य उद्देश्य है और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अपना विरोध जताना ही मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के प्रति जो है विपक्ष जो है वो ताकतवर रहे और सड़कों पर उतरे, जनता के पीछे मैसेज दे कि सरकार जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। यही कारण है कि जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई। और बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी और ये तस्वीरें आप देखिए, चक्का जाम की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें वाकई अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। कहा जा रहा है कि हम जनता की भलाई के लिए भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जनता की किस तरह से भलाई हो रही है यहाँ पर घंटों तक, और ये कहा जाए कि लगभग 4-5 घंटे नहीं पूरा दिन यहाँ से निकलने में लोगों को लग जाएगा। तस्वीर
तस्वीरें हैरान कर रही हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर जो गाड़ी है वहाँ यहाँ पर रुकी हुई है, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि ये स्थिति पहली बार बनती हुई नजर नहीं आई है, जब जब किसानों ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया है और तब तब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। गुरुग्राम की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो भी करने की कोशिश की गई है और साथ ही यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, तमाम तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही है और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही है, तो स्थिति क्या है वो तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो अब भारत बंद का जो असर है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और साथ ही लगातार हमारे संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। रुपेंद्र, आप बता रहे थे कि किस तरीके से अब धीरे धीरे जो जमावड़ा लगना है वो शुरू हो रहा है, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है आम जनता को खासी परेशानी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा रहा है, सड़क पर जिस तरीके से आगजनी की जा रही कितना सही है अपनी आवाज को इस तरीके से उठाना। देखिए अपनी आवाज़ को सबको उठाना चाहिए क्योंकि भारत में जो है वो सबको आज़ादी मिली है कि अपने आज जो हर कोई स्वतंत्र है अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, कि वो आवाज़ को उठाने के लिए एक तरीका होता है और उस तरीके के हिसाब से आवाज़ को उठाना चाहिए। अब यहाँ पटना यूनिवर्सिटी जो है उसके मुख्य द्वार पर है और अभी से कुछ देर पहले की बात करें तो यहाँ पर आगजनी की गई थी और आगजनी करके यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में छात्र जो हैं यहाँ पर मौजूद थे और मौजूद होने के साथ ही यहाँ पर कई गाड़ियों को उन्होंने डिस्टर्ब किया, लोगों को आने जाने नहीं दिया। कम से कम घंटे दो घंटे जो है पूरी तरह से अशोक राजपथ जो है वो जाम रहा। अब पुलिस कुछ देर पहले पहुंची और उन छात्रों को जो है गिरफ्तारी की है और उन छात्रों ने गिरफ्तारी दिया, उसके बाद फिर भी और थाना जो है उन्हें छात्रों को जो है उनको ले जाया गया। तो खासतौर पर बात करें तो पटना में जो है जगह जगह जो है टुकड़ियों में जो है छात्रों हों राजनेता हों वो लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं और जो है वहाँ पर आगजनी की जा रही है सड़कों पर और बंद किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो दोपहर का वो समय जो रहेगा 11 बजे से 2 बजे के बीच का, उस समय जो है डाकबंगला जो है वो माले की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और आरजेडी की तरफ से जो है वो बंद किया जाएगा। तो खासतौर पर 2-3 घंटे जो है डाकबंगला जो पटना का हृदय कहा जाता है वो जाम रहेगा। लेकिन बातें यह हैं, किसानों की बात है और किसानों को सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन किसान जो है सड़क पर नहीं दिख रहे हैं बल्कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जरूर दिख रहे हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, राजनीतिक एजेंडा ही किसान आंदोलन को बना दिया गया है। आशुतोष, इसे राजनीतिक एजेंडा ही हम कहेंगे? सड़कों पर अगर तमाम लोग उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, अपने आंदोलन को उग्र बनाना कितना सही है? क्या उग्र बनाने से समस्या का समाधान होगा? क्योंकि सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे थे कि जो जाम की स्थिति है वो दिखे और फिलहाल वैसी तस्वीर दिख नहीं रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बसों को रोक दिया गया है और आम पब्लिक जो है वो उतर कर जा रही है। ये भारत बंद है, आप लोगों को नहीं पता था? ये भारत बंद है सर, आप लोगों को नहीं पता था? अच्छा, भारत बंद है, आप लोगों को जानकारी नहीं थी? नहीं मालूम था ना भैया, गांव से आ रहे हैं इसलिए पता नहीं था। अच्छा, भारत बंद से लगता है फायदा? हाँ, बिल्कुल फायदा है, भारत तो बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार के खिलाफ काम कर रहा, सरकार परेशान कर रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत बंद की तस्वीर, यहाँ पर बसों को रोक दिया गया है। ये बताइए इस तरह का आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन हम लोग को तीनों कृषि काला कानून सरकार वापस ले, निजीकरण बंद करे और जनगणना, जातीय जनगणना चालू करे, ये सब मांग को लेकर। आशुतोष, मेरा सवाल ये है, इनसे पूछिए कि आम जनता को परेशानी में डालकर क्या वाकई इनकी मांगे पूरी हो पाएंगी? नहीं था कॉल को, किसी ने कॉल किया ही नहीं, और हम लोग को पैदल जाने के मने के स्थिति में। हम तो इस बंद को किस तरह से आप देखते हैं? बंद से आम आदमी को फायदा है? बंद से आम आदमी को अभी तो फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है, बंद से फायदा होगा आम आदमी को? नहीं, महंगाई है तो ये बंद होना चाहिए, कानून थोड़ा ध्यान दे। किसी कृषि कानून को लेकर के बंद है?
भैया महंगाई चलते बंद है, महंगाई इतना हो गया है कि तेल वो सब महंगा है, राशन प्राइस महंगा। आपको लगता है कि बंद बंद सही है, बंद होना चाहिए? इस मुद्दा पे बंद है पता ही नहीं, मुद्दा पता नहीं है आपको? नहीं पता है हम तो। आपको पता है किस मुद्दा पे बंद है? नहीं पता नहीं, हम तो एग्जाम देने आए हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोग ट्रेन। आपको पता है कि किस मुद्दे पे बंद है? नहीं हमें तो अभी पता नहीं, हम तो एग्जाम देने आए हैं। एग्जाम देने आए हैं। ये बताइए कि इस तरह का जो भारत बंद होता है इससे फायदा होगा? भारत बंद होने से फायदा होगा, इतना महंगाई बढ़ गई, हम लोग आते हैं तो ट्रेन में भाड़ा देकर आता है, पहले नहीं लगता था अब लगता है, हम लोग एग्जाम देने वाले लड़के हैं। आशुतोष पूछिए उनका एग्जाम है, कितनी परेशानी हो रही है उनको। भी नहीं है किस बात को लेकर के यहाँ पर बंद किया गया है। हम पटना जंक्शन की आपको तस्वीर दिखा रहे थे और कमोबेश फिलहाल अभी जो है बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ है और आने वाले एक दो घंटों में खासतौर से पटना, मुख्य पटना की बात करें, पटना जंक्शन डाक बंगला चौराहे पर, तो वहाँ कमोबेश परिस्थितियाँ बंद की ही नजर आने वाली है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, अजीम मीडिया पटना। तो साथ ही हम आपको लगातार तस्वीरों से भी रूबरू करा रहे हैं, तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात फिलहाल पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते थे कि क्या लोगों का कहना था, कुछ छात्र भी थे वहां पर जो एग्जाम देने आ रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर किस मुद्दे पर भारत बंद किया गया है, लेकिन जगह जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी की जा रही है, सड़कों को जाम किया जा रहा है और साथ ही दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का अगर हम जिक्र करें, वहां की तस्वीरों से हमने आपको रूबरू कराया कि चक्का जाम वहां पर नजर आ रहा है, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पटना, आरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में बंद का असर, ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल बिहार के सड़कों की स्थिति क्या है। तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशुतोष आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आशुतोष की आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे, फिलहाल हमारे संवाददाता पटना में मौजूद है जहां पर आगजनी की गई है, सड़कों पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कई ट्रेनों को भी रोका जा रहा है, रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया गया है, वहां पर भी लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो आशुतोष और उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की, आप दोनों का शुक्रिया, अपडेट आप देते रहिएगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी कांटे थाना क्षेत्र के सुधा मोड़ के पास NH-28 को RJD कार्यकर्ताओं ने जाम करके आगजनी करके प्रदर्शन किया है। RJD जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता और कांटे विधायक इसराइल मंसूरी के नेतृत्व में जाम लगाया गया। इसी कानून को लेकर महागठबंधन ने भी अब समर्थन कर दिया है। मुजफ्फरपुर में अभी हम सुधा मोड़ के पास है जहां पे NH-28 को राजद कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है, पूरी तरीके से जो है आवागमन बाधित है और लगातार जो है कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और स्थानीय विधायक जो है कांटी के इसराइल मंसूरी राजद के विधायक है उनके और जिलाध्यक्ष जो रमेश गुप्ता उनके नेतृत्व में यह बंद बुलाया गया है। विगत 10 महीनों से जो किसान दिल्ली के विभिन्न बोर्डरों पर धरना प्रदर्शन कर रहा है लोग, उन्हीं के लिए ये कानून बनाया गया और वो लोग आज भुखमरी के कगार पर हैं। जो अन्नदाता हैं, जिनके अन्न उपजाने से हम लोग खाते हैं और जिंदा रहते हैं, उनका जो है सो उनके हक का ये कानून नहीं बना, वो कानून गलत बनाया गया। देश का, इस देश का आर्थिक रीढ़ किसान के पास में है, अन्न देता है हमारा किसान भाई, और लगभग 9 अगस्त से ही कि देश का किसान जो है सो आंदोलनरत है, लेकिन ये गुंगी बहरी और नरेंद्र मोदी तानाशाही सरकार जो है किसानों की बात को नहीं सुन रही है। स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी का कहना है कि लगातार ये आंदोलन कृषि कानून का जो है वो लगातार जब तक वापस नहीं होगा तब तक ये कानून जारी रहेगा। मनोज कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। बाढ़ में भी CPI संगठन ने प्रदर्शन किया है, CPI कार्यकर्ताओं ने भी दुकानें बंद कराई और साथ ही रोड को भी जाम किया है, जबकि नालंदा में कांग्रेस और RJD कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक पर आगजनी की है। तो दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ की तस्वीर आप देखिए, लेफ्ट का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला है, दूसरी तस्वीर हम आपको नालंदा की दिखा रहे हैं, यहां पर भी आगजनी करके प्रोटेस्ट किया गया है, प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत बंद का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। तो बिहार में भी अब इसका मिलता जुलता असर नजर आ रहा है।
हाजीपुर में कृषि बिल के खिलाफ आरजेडी सड़क पर है। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, एनएच भगवानपुर में भी जाम किया गया है और साथ ही मवेशियों के साथ यहां पर सड़क पर आकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कृषि बिल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारत बंद को लेकर हाजीपुर में राजद समर्थक जगह जगह सड़क जाम करके प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गांधी सेतु टोल प्लाजा के पास जाम कर दिया गया है, जिसे सड़क पर गाड़ी की लंबी कतारें लग गई है। रामाशीष चौक पर भी आरजेडी समर्थक सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करने का काम किए, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ हम लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये कुंभकर्णी नीतीश कुमार और मोदी की जो सरकार है केंद्र में, वो बैठी। वैशाली जिले के भगवानपुर ब्लॉक में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने एनएच 22 को जाम किया है और साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में रोड को जाम किया गया है। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को भी रोका है। किसान अगर सपोर्ट में खड़ा है तो कहीं ना कहीं किसान जो है परेशान है, तभी सपोर्ट में खड़ा है। तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि किसानों को सहूलियत मिलनी चाहिए। किसान जो है वो हिंदुस्तान की रीढ़ है। अगर किसान ही डगमगा जाएगा फिर बहुत प्रॉब्लम है। आंदोलन किए हैं कि काला कानून है कृषि कानून, ये काला कानून से देश की किसान के समस्या हल नहीं हो सकता है। हमारे भारत में 80% लोग खेती पर निर्भर है, किसान का खेत चौपट हो रहा है। किसान का नीति जो बनाया गया है वो अंग्रेज का कानून है, जो किसान का कानून है वो अंग्रेज का कानून है, काला कानून है। जब तक काला कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो भारत बंद को लेकर लेफ्ट भी प्रदर्शन कर रहा है। आरा पटना मुख्य मार्ग पर लेफ्ट नेताओं ने प्रदर्शन किया है। पूरा महंगाई सातवें आसमान पर है, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, या फिर कड़ुआ तेल हो, या खाद्य पदार्थ। तीन कृषि कानूनों का असर दिखाई पड़ रहा है और बिजली बिल 2020 का भी हम लोग असर देख रहे हैं कि बिजली का बिल भी आसमान छू रहा है और गरीब आदमी के घर में अब रसोई गैस नहीं आएगी। सहरसा में भी भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। आरजेडी लेफ्ट का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। शंकर चौक पर रोड को जाम किया गया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। हो गया आंदोलन को लेकर जो है भारत बंद का असर सहरसा में भी देखा जा रहा है। सुबह से ही आरजेडी और वाम दलों के कार्यकर्ता शहर के चौक चौराहों को जाम कर दिया है और इस वक्त हम मौजूद हैं स्थानीय शंकर चौक के समीप, जहां सुबह से ही एक इन कार्यकर्ताओं ने जो है सड़क को जाम कर रखा है और अपनी मांगों को लेकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ जो है आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं, ये बताइए कि क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों सड़क? असल देखिए, यह किसान आंदोलन जो विगत 10 महीना से चल रहा है, सैकड़ों किसान का जान चला गया है, लेकिन ये केंद्र की सरकार इसके वाजिब मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पूंजीवादी व्यवस्था लादने के लिए किसानों का कमर तोड़ रहा है। आज उसी के पक्ष में भारत बंद, बिहार बंद और सहरसा भी बंद है। किसान इस देश के प्राण है और ऐसे में जो है भारत सरकार जो है किसानों के जो है भावनाओं को नज़रअंदाज कर रहा है। विगत 6 महीनों से जो है उसका जो है अनशन चल रहा है अपनी मांग को लेकर के, और सरकार बार बार उसके मांगों को अनसुना कर रहा है। कहीं ना कहीं इस देश के जो है किसान और देश के आम लोगों की भावनाओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि अब यह देश सड़क पर आ गया है और यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक किसान की मांगों को पूरा नहीं करती है। साफ तौर से इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी इनका ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। विशाल कुमार, जी मीडिया। किसानों के भारत बंद को लेकर बिहार में भी सियासी घमासान मचा हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल ने सभी व्यापारियों से, किसानों से, मजदूरों से, आम लोगों से अपील की है कि इस बंद को ऐतिहासिक बनाएं, सफल बनाएं, क्योंकि जिस तरह से किसान अन्नदाता 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं धरना पर, 3 नए कृषि कानून बिल के खिलाफ सरकार का उदासीन रवैया ये बता रहा है कि सरकार किसानों के प्रति, उनकी समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। ये काला कानून जो केंद्र सरकार ने थोपा है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए किसानों के समर्थन में आज भारत बंद का
राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया है। देश में किसानों का आंदोलन एक गंभीर मुद्दा है। सरकार की हमेशा से यह प्राथमिकता रही है कि कैसे हमारे किसान भाइयों, हमारे अन्नदाताओं को समुचित लाभ मिले, उनके अंदर असंतोष का भाव नहीं आए, उनकी आय दुगनी हो। विरोध करने का भी अपना लोकतांत्रिक तरीका होता है, भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, लेकिन विपक्ष के लोग इसमें कूद कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। बिहार में भी राजद के लोग अभी या देर शाम तक बंद के बहाने आम जनता को परेशान करेंगे, नौटंकी करेंगे, या बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से विपक्ष का असली चाल चरित्र और चेहरा उजागर होगा। किसानों की हितैषी मोदी सरकार किसानों की चिंता करते हुए तीन कानून जो लाई है वह किसानों का दिन पलटने वाली है, किसानों का हित करने वाली है। इसलिए पूरा का पूरा जन समर्थन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। किसान उनके साथ खड़े थे और खड़े हैं। चलिए फिलहाल के लिए खबर बिहार में।